न्यूज़तक का परिवार YouTube पर अब 1 करोड़ के पार, आपका बहुत बहुत आभार। एक तरफ राजस्थान में मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाने की बात बीजेपी को लेकर कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को लेकर भी खबरें सामने आई हैं। वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, ऐसे कई सारी खबरें अभी चल रही है। चाहे पीएम की रैली हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान में जाना, कई जगहों पर देखा गया है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी नजरअंदाज करती दिख रही है। लेकिन ऐसे में यह सवाल उठता है कि बीजेपी के तरफ से राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं तो कौन होगा चेहरा। अब खबर है कि बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाएगी। हालांकि बतौर वरिष्ठ नेता उन्हें टिकट वितरण करने, चुनावी रणनीति तय करने में सहयोगी बना सकती है, अहमियत दी जा सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने वसुंधरा राजे के सामने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और पार्टी का चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जिस वजह से वसुंधरा राजे भी एक साइड हो गई। लेकिन इसके साथ बीजेपी ने एक काट भी निकाला। एक नाम जिसकी चर्चा खूब हो रही है कि वसुंधरा के जगह बीजेपी महारानी दिया कुमारी को मैदान में उतार सकती है। अब सवाल ये कि आखिर ये दिया कुमारी है कौन? क्या इसके आने से कांग्रेस को कोई असर होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा? महारानी दिया कुमारी राजस्थान की राजनीति में एक लोकप्रिय राजपूत चेहरा है। दिया कुमारी का कभी विवादित बयान भी सामने नहीं आया। समाज सेवा में सबसे आगे रहने के साथ दिया कुमारी अपने लोकसभा क्षेत्र में भी काफी एक्टिव रहती हैं। बीजेपी में उन्हें राजस्थान चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देने की अटकलें कई साल पहले से लगाई जा रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी के सभा पर संचालन करके वो अचानक से सुर्खियों में आ गई हैं। ऐसे कई उदाहरणों से समझा जा सकता है, कई मौकों की वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे के सितारे गर्दिश में चले गए हैं और चल भी रहे हैं। वहीं बीते दिनों घटनाक्रम की अगर बात करें तो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि महारानी राजे का सियासी खेल अब खत्म हो चुका है। बीजेपी उनकी जगह पर नया नेतृत्व तैयार करने के मूड में है और उसी में से एक नाम आ रहा है दिया कुमारी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जिस तरह से प्रदेश के 2 महिला नेताओं को बहुत ज्यादा तवज्जो मिली, तो ऐसे में सवाल उठा कि क्या वो वसुंधरा राजे की ओर इशारा किया था या फिर वसुंधरा राजे का विकल्प बन सकेंगी दिया कुमारी। यही 2 सवाल है। इसे समझना जरूरी है क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में राजे ने ही क्षेत्र के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीना को हराने के लिए सवाई माधोपुर से दिया कुमारी को मैदान में उतारा था। वसुंधरा का ये फैसला भी अच्छा रहा और ये दाव भी काम कर गया। इसके बाद शाही घराने बनाम राज घराने के बीच का संपत्ति विवाद भी दोनों महारानियों के बीच में सामने आया। 2018 में वसुंधरा राजे ने दिया कुमारी का टिकट काट दिया, जो दिया कुमारी के वरदान साबित हुआ दिया कुमारी के लिए। बीजेपी आलाकमान भी वसुंधरा के तेवरों से नाराज थी और ऐसे में फौरन दिल्ली में बैठे दिग्गजों ने दिया कुमारी को सांसदों का टिकट दे दिया। तब से ही महारानी दिया कुमारी का सितारा बुलंदियों पर है। महारानी दिया कुमारी राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट से अभी बीजेपी के सांसद भी हैं। 30 जनवरी 1971 को जयपुर के पूर्व महाराज और होटल कारोबारी भवानी सिंह पद्मनी देवी के घर में दिया कुमारी का जन्म हुआ। देश के नाम स्कूलों और कॉलेज से पढ़ने के बाद देश में वो विदेश चली गई, लंदन से पढ़ाई लिखाई की, डेकोरेटिव आर्ट से उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया। फिलहाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी की कमान भी संभाल रही हैं। सूबे की राजनीति में कहा जाता है कि जो पार्टी मेवाड़ जीतती है सरकार वही बनाती है। ऐसे सियासी शगुन की अगर बात करें तो मेवाड़ के राजस्मंद से महारानी दिया कुमारी सांसद हैं और महारानी दिया कुमारी ने एक सांसद के रूप में अच्छी छवि भी बना रखी है। राजस्थान में राजपूत मतदाता करीब 14% हैं, जिनका 60% विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा पकड़ भी है। यूं तो बीजेपी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे राजपूत नेता भी हैं और सांसद दिया कुमारी के बाद ही कुछ अलग है। महारानी गायत्री देवी की विरासत भी उनके पास है। राजपूतों को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, इसलिए बीजेपी निश्चिंत हो सकती है कि अगर वसुंधरा नाराज भी होती है तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा।
बीजेपी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर राजपूतों से सकारात्मक बदलाव संदेश भी ले सकती है। अगर बीजेपी महारानी दिया कुमारी को सीएम कैंडिडेट बनाती है तो यह एक महारानी की जगह दूसरी महारानी जैसा ही होगा। राजे को सूबे में आज भी बहुत लोग महारानी कहकर बुलाते हैं, ऐसे में दिया कुमारी भी महारानी है। दोनों के सियासी अदावतें किसी से छिपी भी नहीं है। हालांकि दिया कुमारी को वसुंधरा राजे ने ही राजनीति में एंट्री दिलाई थी, तब दिया कुमारी जयपुर राजघराने की राजकुमारी थी। 2003 से 2013 तक विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि जिस पार्टी को मेवाड़ में सबसे ज्यादा सीट मिली, हालांकि वही सरकार बनाया, हालांकि 2018 के चुनावी नतीजे कुछ और भी कह रहे थे। बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। राजस्थान की राजनीति में राजे के बगावती तेवड़ों से पार्टी में उनके स्थिति खराब भी हो चुकी है, ऐसे में बीजेपी जरूरत पड़ने पर दिया कुमारी को आगे रख सकती है। हालांकि ये कुल मिलाकर अभी तो कयास ही लगाए जा रहे हैं, इसकी कोई भी बात अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। दिलचस्प बात और ये भी होगी कि दिया कुमारी क्या टक्कर दे सकती है, क्योंकि रॉयल फैमिलीज अब एक्टिव हो गए हैं राजस्थान में। दो राजघरानों की लड़ाई भी कह सकते हैं। राजस्थान में अगर इस बार सत्ता परिवर्तन होता है तो बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल होगा। राजस्थान के सियासत को करीब से समझने वाले मानते हैं कि 20 सालों से राजस्थान बीजेपी का प्रमुख चेहरा राजे रही हैं, इस बार बगावती तेवर भी अपनाई हुई हैं। हालांकि ये सब बातें कयास की है और आगे के प्लान रणनीति अभी आधिकारिक तौर पर कुछ सामने नहीं आई, अगर आती है तो वो जानकारी आपको जरूर दी जाएगी। लेकिन इससे अगर दिया कुमारी मैदान में उतरती हैं, वसुंधरा राजे पीछे हटती हैं, तो कांग्रेस को भी बड़ा फायदा हो सकता है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।